ये देखिए क्या हाल हुआ है केडीए चरंगी का, और हैं अपनी नींद भी पूरी कर रहे हैं। देखिएगा भाई ग्रीन लाइन का ट्रैक ये देख सकते हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ पे पानी जमा नहीं होता भाई, आप आराम से सफ़र करते हुए जाएंगे। तभी मैंने कहा बारिश में करते ग्रीन लाइन का सफ़र और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शानदार अंडर बाईपास बनाया कराची का ग्रीन लाइन का, और ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसका जो रूट है वो अलग है और इसमें पानी जमा नहीं होता और आप ईज़िली आसानी से पहुँच सकते हैं बनिस्बत दूसरे रूट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कराची में आज हो रही है तेज़ बारिश, माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम हो गया और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। मैंने सोचा कि उन्हें ग्रीन लाइन पे सफ़र किया जाए बारिश के टाइम पे, क्योंकि बारिश में जो जर्नी है ग्रीन लाइन की वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये जो व्लॉग है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बस अब चलते हैं और चल के टिकट लेते हैं और ग्रीन लाइन का सफ़र स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हैदरी के स्टॉप पर, ये देख सकते हैं सायमा पारी मॉल है, ठीक है। ये हैदरी का मेन स्टॉप आ गया, ठीक है, हैदरी वाले स्टॉप पर हूँ। अब यहाँ से हम लोग बैठेंगे ट्रेन बस पे और आगे जाएंगे और पूरी बारिश में ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो खबरती न्यूज़ मैंने टिकट ले ली, 55 रुपये टिकट है। पहले जब स्टार्ट हुई थी सर्विस तब भी 55 थी और अब भी 55 है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बारिश हो रही है अब तेज़, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई तो सर्विस बंद हो जाएगी। खैर चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर और सफ़र करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का माहौल, ये देखिएगा भाई। पहले यहाँ होगी टिकट पंच, ये देखिएगा भाई, ये देखिएगा पंच हो गई और अभी हम लोग यहाँ स्टेशन के अंदर आ गए हैं और बाहर हो रही है बारिश तेज़, तो बस जल्दी से बस आती है तो फिर उस पर बैठते हैं और इस सफ़र को इन्जॉय करते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात बस आ गई है और चलते हैं और सफ़र इन्जॉय करते हैं। ये देखिएगा भाई, ये देखिए तेरी खैर सारी जगह रश ही लगा हुआ है, तो अच्छा खासा रश है भाई। तो ख़वातीन और हज़रात हम लोग हैदरी स्टेशन से आगे की तरफ जा रहे हैं, केडीए चुरंगी अब आने वाला है नेक्स्ट स्टॉप, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पानी की सूरत हाल, ये देखिएगा और ये देखिएगा भाई, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिएगा क्या हाल हुआ है केडीए चुरंगी का। और अभी हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह नुमाइश तक, कोशिश करूँगा कि नुमाइश तक जाऊँ, बस ये दुआ करता हूँ कि सर्विस चलती रहे क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो माशाल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन लाइन बस की सर्विस मुझे अच्छी लगी, फुली एसी है और बंदे इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, वो देखिएगा सोता हुआ जा रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी नींद भी पूरी कर रहे हैं। और ये देखिएगा अभी हम लोग कहाँ आ गए भाई। अच्छा ये चीज़ अच्छी है कि ग्रीन लाइन में हर स्टेशन का बताते रहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अभी जिस तरह से बोर्ड ऑफिस का स्टेशन आने वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ। फाइनली बोर्ड ऑफिस का स्टेशन पे पहुँच गए और अब हम लोग जा रहे हैं नाजमाबाद स्टेशन की तरफ, और बाहर देखें सूरत हाल और हम लोगों को, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आप अगर ग्रीन लाइन में बैठ जाएंगे कि बाहर क्या सूरत हाल चल रही है इस टाइम रोडों की और बारिश की, पानी खड़ा हुआ है रोडों पे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका अलग से ट्रैक है, यहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता, ये चीज़ अच्छी लगी ग्रीन लाइन की। आप लोग ये देखिएगा तो ख़वातीन और हज़रात अभी हम लोग गोल मार्केट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से सीधा लसबिला की तरफ जाएंगे और पानी की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं, लगता है यहाँ पर बहुत बारिश हुई है, देखिएगा ये देखिएगा। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर फ्लाईओवर पे चढ़ गए, ये चीज़ अच्छी ग्रीन लाइन का सफ़र में, ये चीज़ अच्छी कि आप लोग पानी कीचड़ वीचड़ से भी बच जाएंगे और ट्रैफिक से भी बच जाएंगे। लोग अभी उतर रहे हैं सैनिटरी वाले स्टॉप पर और यहाँ से आपको सूरत हाल वगैरह दिखाएंगे बारिश की भी, और यहाँ से मनाज़िर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ के मनाज़िर आप लोगों को दिखा दूँ पहले, ये देखिए। और बारिश वक्फे वक्फे से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों को आगे चल के मनाज़िर दिखाता हूँ मैं। ये देखिएगा भाई ग्रीन लाइन का ट्रैक, ये देख सकते हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ पे पानी जमा नहीं होता भाई, आप आराम से सफ़र करते हुए जाएंगे। तभी मैंने कहा बारिश में करते ग्रीन लाइन का सफ़र और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैसा एक्सपीरियंस है सैनिटरी मार्केट। अभी ये क्या बारिश में पतंग उड़ा रहे हैं? बारिश में कैसे पतंग उड़ा रहा है भाई, पतंग तो गीली हो जाएगी। ये देखिएगा नीचे आप देख सकते हैं, ये सैनिटरी मार्केट है सारी, ये देखिएगा सारी। और एक और बस आ गई, वो देखिएगा सामने से, अच्छा नुमाइश की तरफ से भर्ती भी आ रही है, यहाँ से इतना कम लोड है।
तो भाई मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ बारिश में सफ़र, तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, आप लोग भी लाजमी से ये एक्सपीरियंस लीजिएगा क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। खैर अभी एक और बस आती है, फिर उस पर बैठ के हम लोग नुमाइश जाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। भाई तो फाइनली गाइस बस आ गई है और अभी बस पर बैठेंगे और आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अबे बसें तो फुल होती भी आ रही हैं, ये देखिएगा भाई बस पे हम लोग चढ़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से? भाई कहाँ से आ रहे हैं? ग्रीन लाइन से टूके से आ रहा हूँ। ठीक है, कैसा सफ़र लगा आपको? यार सफ़र तो काफ़ी बेहतर हमें लगा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। पहले की नस्बत अगर देखा जाए, पहले कोई लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह होती थी और रोडों की हालत का भी आपको पता था। ठीक, सही कह रहे हो, बारिश की बारिशों के सीजन बारिश में तो मुझे फील ही नहीं होती, बहती है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बाहर का मनाजिर देख रहा हूँ तो रोड भरे हुए हैं इस टाइम और ग्रीन लाइन आराम से जा रही है, बहुत ही आराम से जा रही है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, कोई मसला नहीं। मतलब मज़ा आया आपको बारिश में भी सफ़र करके? बहुत मज़ा आया। रेकमेंड करते हैं दूसरों को ये बारिश में इसमें सफ़र करना चाहिए? जी बिल्कुल, जितना हो सके सफ़र कर ले। हाँ। और बाकी जो लोकल बसेज है और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोकल बसेज है उसको अवॉइड करें। हाँ। और भी जिस तरह फैसिलिटीज है, जिस तरह उन्होंने जो रेड बसेस और भी स्टार्ट कर ले और तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। ठीक है, ये देखिएगा भाई लसविला आ गया और अभी हम लोग जा रहे हैं गुरु मंदिर की तरफ, यहाँ पर स्टे होगा फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गुरु मंदिर की तरफ। तो हमसीन रजात हम लोग आ गए हैं पटेल पाड़ा के स्टॉप पे और इसके बाद आता है नुमाइश, तो मैं आपको यहाँ से मनाजिर दिखा देता हूँ नुमाइश के। सलाम, कैसे हैं? खैरियत हैं? सब खैरियत हैं? तो ये देखिएगा भाई नुमाइश के मनाजिर सामने, कायदे आजम का मज़ार आपको लोगों को दिख रहा होगा। कैसे हैं आप? खैरियत से? कितनी देर में पहुँचा देते हैं यहाँ सरजानी से नुमाइश तक? 45 मिनट में। वाह भाई ज़बरदस्त, और बारिश के दिनों में भी आराम चलती रहती है? नहीं, बारिश के दिनों में एक मिनट या आधा मिनट डिले होता है, मतलब बारिश के दिनों में थोड़ा सा डिले हो जाती है, कहने का मतलब ये है। एक आफिस होता है जब सामने पानी रुका हुआ है। हाँ, इस वजह से ये सेंसर होते हैं। अच्छा, ये कितने बजे तक रात में चल रही है? 11:30 तक हो गई है। नहीं, गाड़ी 11:30 पहुँचती है। ठीक है, ये देखिएगा भाई हम अंडर बाईपास की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत ही शानदार अंडर बाईपास बनाया है कराची का ग्रीन लाइन का, और ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसका जो रूट है वो अलग है और इसमें पानी जमा नहीं होता और आप ईज़िली आसानी से पहुँच सकते हैं बनिस्बत दूसरे रूट से, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी भी होगी उससे भी पहले आप इससे पहुँच जाएंगे। ये देखिएगा भाई नुमाइश का आ गया। वाह भाई ज़बरदस्त नुमाइश का, ये लास्ट स्टॉप है, ज़बरदस्त। तीनों आज़ाद, ये हम लोग लास्ट स्टॉप पे आ गए हैं नुमाइश के और अब हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ से एग्ज़िट है और बस ऊपर चलते हैं और आपको बाहर की भी थोड़ी सूरत हाल दिखा देते हैं कि रोडों का क्या हाल है और ग्रीन लाइन का तो आपने देख लिया। अच्छा, जब एग्ज़िट करेंगे ना तो स्लिप आपको लाजमी चाहिए होगी क्योंकि ये पंच होगी यहाँ पर, ये देखिएगा पंच हो गई। अब यहाँ से हम लोग बाहर चले जाएंगे। अच्छा, ये देखिएगा ये लाइन से जो बसेस खड़ी हुई ना ये जाने के लिए रेडी हैं सरजानी, ये देखिएगा। वाह, ये बस घूम के एक और लाइन में आ जाएगी और ये निकलती जाएंगी सरजानी के लिए। ये देखिएगा भाई नुमाइश का क्या हाल हुआ है, बारिश हो रही है, थोड़ी तेज़ हो गई है। तो ये देखिएगा भाई नुमाइश का हाल आप लोगों को दिखा देता हूँ, बारिश चल रही है और रोडों का ये देखिएगा ये पानी जमा है। ट्रैफिक की सूरत हाल अभी तो काफ़ी कम है लेकिन ये है कि रोडों का बहुत बुरा हाल है नाजमाबाद की तरफ, नॉर्थ कराची की तरफ, लेकिन ग्रीन लाइन से आप सफ़र करेंगे तो ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। खैर, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि बारिश के टाइम पे आप लोग भी ज़रूर इस पर विज़िट करें, इसी से सफ़र करें क्योंकि एक अच्छा सफ़र हो जाएगा और आप लोगों को तकलीफ़ भी नहीं होगी, जिस तरह ये पानी की छींटे और ये जिस तरह से पानी होता है, ट्रैफिक होता है, ये चीज़ें भी आप लोगों को नहीं फेस करनी पड़ेगी। खैर, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, कैसी लगी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, हो सका तो शेयर भी कीजिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।